असलकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत गाड़ी लेकर आए हैं ओल्ड मॉडल है और बहुत ही प्यारी गाड़ी आज हम लेकर आए हैं मुकम्मल रिव्यू कराएंगे Nissan सनी सनी Nissan ये कार है फार सेल है उन्नीस सौ नवासी यानी कि उन्नीस सौ उन्नावे मॉडल है और इंतहाई खूबसूरत और अच्छी कंडीशन में ये कार कारार सेल है इसका हम आपको मुकम्मल रिव्यू कराएंगे और इसको दिखाएंगे मुकम्मल दिखाएंगे कि इसकी क्या सूरत है अंदर से क्या सूरत है इंजन की क्या सूरत हाल है सारी पोजीशन हम आपको दिखाएंगे ये हम आपको बताते चलें कि बहुत ही खूबसूरत ये गाड़ी है और अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है इसकी कीमत के बारे में भी बताएंगे इंजन की सूरत हाल आप देख लें इसका जो इंजन है इस वक्त देख सकते हैं कि इंजन और अंदर से जो बोनट की सूरत हाल है वो सारी हम आपको दिखा रहे हैं रिव्यू करा रहे हैं और आप अच्छी तरह देखें बोनट को देखें और बोनट की सूरत हाल देखें इंतहाई अच्छी कंडीशन में यूँ समझ लें कि इस जैसी अच्छी कंडीशन की गाड़ी आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है निशान सनी में ये आकार है उन्नीस सौ उनानवे मॉडल है अब हम थोड़ा सा अंदर का रिव्यू कराएँगे ये आप देख रहे हैं आ, डैशबोर्ड देख रहे हैं मीटर देख रहे हैं स्टेयरिंग देख रहे हैं इसके अलावा ये डैशबोर्ड का हम नीचे से भी रिव्यू कराएंगे सारा दिखाएंगे सीटों की हाल भी आप देख सकते हैं आपके सामने अच्छी कंडीशन है सीटों की पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है फ्रंट सीट आप देख सकते हैं बहुत बेहतर हैं इसके अलावा दरवाज़ों की तरफ भी आएंगे स्टेयरिंग देख सकते हैं मीटर देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा है जैसे नई गाड़ियों का होता है अच्छी कंडीशन की गाड़ी है और ये आप ख़रीद सकते हैं दरवाज़े को भी आप देख सकते हैं कि दरवाज़े की क्या सूरत हाल है और इस गाड़ी का हम मुकम्मल रिव्यू करा रहे हैं बैक की तरफ आते हैं बैक दरवाज़ा आप देखें इसको अच्छी तरह देखें अच्छा आप मुकम्मल रिव्यू देख करें फिर आपको पसंद आए तो फिर गाड़ी लें सीटें देखें पीछे स्पीकर लगाए गए हैं डैग लगा हुआ है यानी कि स्पीकर लगे हुए हैं आप टैप लगा सकते हैं छत भी अच्छी कंडीशन में है अंदर से भी बहुत ही प्यारी और सुथरी साफ़ सुथरी कंडीशन है ये गाड़ी है अलायर लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत अलायर लगे हुए हैं टायरों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि 80 से फीसद टायरों की कंडीशन है बहुत ही बेहतर कंडीशन है टायरों की देखें नव नबे फीसद के लगभग टायरों की कंडीशन है अलायर बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं चारों टायर हमने आपको दिखा दिए हैं डिग्गी की कंडीशन भी आप देख लें ये डिग्गी की कंडीशन है अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं स्टपनी मौजूद है स्टपनी देखें आप बहुत ही ज़बरदस्त स्टपनी और दीगर कुछ औज़ार टूल भी मौजूद हैं इसके साथ और ये हम निशान सनी निशान कार का कर रिव्यू करा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत पीस लेकर आए हैं आपके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत गाड़ी तलाश की है जो हम आपको हर तरफ से दिखा रहे हैं तमाम दरवाजे दिखा रहे हैं और सारा मुकम्मल इसका रिव्यू दिखा रहे हैं आप देखें अच्छी तरह देखें और उसके बाद फिर फैसला करें कि आपने लेनी है या नहीं लेनी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है कीमत इंतहाई मुनासिब है कीमत भी हम आपको बताते हैं Uh, कीमत भी काफ़ी मुनासिब है दरवाज़ों की कंडीशन आप देख रहे हैं अच्छी कंडीशन है ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी कहीं से भी कम नहीं है हर लिहाज से गाड़ी खूबसूरत है देखने में अच्छी है कंडीशन अच्छी है हालाँकि उनानवे मॉडल है काफ़ी यानी कि तीस साल से ज़्यादा कर सले हुए लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी की कंडीशन देखें तो आपको ऐसे लगेगी जैसे नई है अब हम आपको इसकी कीमत बताते हैं कि इसकी प्राइस क्या है इसकी कीमत जो डिमांड की जा रही है तो फाइनल कीमत है तीन लाख अस्सी हज़ार तीन लाख अस्सी हज़ार रुपये इसकी डिमांड की जा रही है सनी निशान है उन्नीस सौ मॉडल है और आल पंजाब का नंबर है इसके अलावा कागजात फाइनल हैं अगर आपने लेनी है तो नीचे नंबर आ रहा है आप कॉल कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सात घंटी के निशान को दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी गाड़ी का रिव्यू करा दिया है हमने आपको अगर मैं जाती बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा ये गाड़ी पसंद आई है आपको कैसी लगी है कमेंट्स में बताइएगा अगर पसंद आई है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा इसी के साथ इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफिज